भारतीय जातीय कांग्रेस की आज के दिन कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा हुआ था। आज के दिवस को हम तिरंगा कैंपेन के दिवस पे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी पालन कर रहे हैं। आज उन महापुरुषों का जिनकी विचारधारा, आदर्श और जिनकी संघर्ष से अनगिनत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संघर्षमय जीवन से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में, राष्ट्र निर्माण में उनका क्या बलिदान, को हम याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रतिष्ठाता एयू ह्यूम, डब्ल्यू सी बैनर्जी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी आदि अनेक संघर्षशील नेता ने देश बनाया है और ये राष्ट्र मजबूत राष्ट्र बना है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के त्याग, तपस्या और बलिदान से, उनका कर्मठता और उनका मजबूती से ये राष्ट्र मजबूत राष्ट्र बना है। श्री राजीव गांधी जी की कोशिश से, प्रयास से नौजवानों को अधिकार मिलने के साथ साथ ये राष्ट्र नया बनने का आयाम शुरू हो गया और उनको भी हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को टुकड़ा के कांग्रेस पार्टी को मजबूत से बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद स्वीकार किया और 10 साल तक यूपीए 2 सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। और आज जो संघर्ष कर रहे हैं विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को बनाने के लिए, अब चारों ओर विपरीत परिस्थिति में विरोधी पक्ष खड़ा करने के बावजूद भी एक व्यक्ति संग्राम कर रहा है, एक लड़ रहा है हर इशू पर, चाहे मजदूरों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, महिलाओं के प्रति अत्याचार का सवाल हो, आदिवासी का सवाल हो, गरीब दलित का सवाल हो, पिछड़े वर्ग का सवाल हो, महिलाओं के हक की बात हो, तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आज जम के लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा का स्रोत बन के हो रहे हैं और आज भी लड़ने की आह्वान दे रहे हैं। आज अनगिनत कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के पथ पर, विचारधारा और आदर्श के पथ पर आके राष्ट्र निर्माण में लगे हुए। आज विपरीत परिस्थिति है, आज देश गुलामी की ओर जा रहा है, देश की जो उत्पादनशील ताकत है किसान, उसको आज के सरकार खत्म करने का कोशिश कर रहा है। देश की मजदूरों की हालत बुरा हो गया है, देश की जीडीपी आज सबसे ज्यादा नीचे घट गया है। आज देश में व्यक्ति और संगठन और अनुष्ठानों की आजादी खत्म हो चुका है और एक आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि राहुल जी के साधु प्रयास को आप समझें और देश में फिर से स्वतंत्रता आंदोलन की एक लंबी लड़ाई लड़ा जाए ताकि हर व्यक्ति का सम्मान हो और देश तरक्की करे और हर अनुष्ठानों का, संगठनों का सम्मान, संविधान का सम्मान हो। आज संविधान को लोग खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान को बचाने की आवश्यकता है।